लगातार बढ़ते अपराध की शिकायतों को देखते हुए साइबर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास अलग अलग स्थानों से ठगी के रूप में 2,47,000 रुपये नकद के साथ साथ एक लैपटॉप, 7 पीस विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड्स, 5 पीस एंड्रॉयड मोबाइल, पासबुक और एक मोटरसाइकिल बरामद किया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद छापेमारी के दौरान मुफस्सिल थाना और रामगढ़ थाना क्षेत्र में सक्रिय साइबर अपराधी के गिरोह का भंडाफोड़ कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्री अमरा और रामगढ़ थाना क्षेत्र के कदबिंदा गांव से दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लगातार बढ़ते अपराध की शिकायतों को झारखंड में भी और खासकर इस क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र में साइबर अपराधी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और इनकी सक्रियता को देखते हुए हमने यहाँ के साइबर DSP हैं और साथ साथ एक टीम है उनके साथ में, उनको निर्देशित किया था कि जहाँ कोई तरह का संदिग्ध किसी तरह का कोई आदमी रहता हो, या तो आपका मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए कोई ऐसा आदमी पकड़ाता हो, ATM हो गया आपका, जो है कि अलग से जो है कि सर्चिंग संदिग्ध आदमी को सर्च करके किसी तरह का कोई ऐसा कागजात हो, या तो कोई एंड्रॉयड कोई फ़ोन डिवाइस हो, तो उनको जो है कि पूछताछ के लिए लाया जाए। इसी क्रम में दो अपराधी छापामारी के दरमियान पकड़े गए और दोनों अपराधी जो है कि एक अपराधी रामगढ़ थाना का है, दूसरा अपराधी मुफस्सिल थाना दुमका का है। ये दोनों अपराधियों के पास से काफ़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, करीब 2,47,000 कैश बरामद हुई है, 3-5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 एंड्रॉयड, बल्कि सारे एंड्रॉयड फ़ोन हैं।